हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 470 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अभी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनरेबल सी को दिखाया जाता जो है, जो कि शॉक में सामने की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने क्विलैंग के मास्टर वेनरेबल की होते हैं, जो कि हंसते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि वेनरेबल सी तुम तो हमेशा से ही ये काम करते रहते हो। इधर वेनरेबल की ये बात सुनने के बाद में वेनरेबल सी उन्हें गुस्से में देखते हुए उनसे कहते हैं कि वेनरेबल की आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और क्या तुम भी यहाँ पे अपना एक्शन लेने वाले हो। वेनरेबल की कहते हैं कि सचमुच में ये लड़की काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंटेड है, तो मुझे भी ये चाहिए। तो वेनरेबल की से ये जवाब सुनने के बाद में तो वेनरेबल सी गुस्से में अपने दांत पीसते रहते हैं, जबकि सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं अथॉरिटी की इस लाइन में वेनरेबल की और वेनरेबल बाई थर्ड और फोर्थ नंबर पे हैं, और ये दोनों वेनरेबल की और वेनरेबल बाई एक साथ मिलकर के वेनरेबल सी को पीछे की ओर ढकेल सकते हैं। और अब आखिरकार कोई तो इन लालची कमीनों के सामने आकर के डट करके खड़ा हुआ। तो अब इधर ये सब सोचने के बाद में फिर सेक्ट लीडर उन लोगों से कहते हैं बहुत हो गई ये सारी तकरार, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप सभी के सभी लोग इस नेचुरली टैलेंट को खुद से काफी ज्यादा निखारना चाहते लेकिन हैं, लेकिन क्या तुम सभी में से किसी ने भी क्या उस लड़की से पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है, क्योंकि उसके जैसे एक टैलेंट को बेकार में वेस्ट करना ये हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसके बाद में फिर सेक्ट लीडर यूएड से कहते हैं अब एक इनर डिसाइपल होने के नाते तुम्हें अपने लिए एक पर्सनल मास्टर की गाइडेंस की जरूरत है, तो अब तुम खुद ही ये बताओ कि आखिर तुम किसके द्वारा गाइड होना चाहती हो। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में यूएर भी हैरानी से कुछ देर के लिए सेक्ट लीडर की ओर ही देखने लगती है, जिसके बाद यूएर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो इसके आगे क्या करे। इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती है, बस खामोश खड़ी रहती है। और यूएर के जल्दी से कुछ भी डिसीजन ना लेने की वजह से बहन यूलिंग भी उसके लिए थोड़ी परेशान होती है। मगर तभी अचानक से टेलीपैथी के साथ यूएर के कानों में अचानक से किसी मिस्टीरियस आदमी की आवाज आती है, जो कि उससे कहती है कि लिटिल गर्ल, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी से लेबर ऑफिस में वापस आ जाओ, क्योंकि इन 3 महीनों की ट्रेनिंग से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा एक स्ट्रॉन्गर पर्सन कभी भी कुछ भी नहीं मांगता। तो अब इधर ये बात सुनने के बाद में यूएर भी कहती है कि हाँ, मगर लेकिन तुम कौन। वो इतना कही पाती है कि तभी वो आवाज वहाँ से चले जाती है। तो गाइज, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आखिर ये किसकी आवाज हो सकती है। फिलहाल इतना कहने के बाद फिर यूएर इसके बारे में ध्यान से सोचने लगती है, और फिर अपने हाथों की ओर देखती है, अपनी उस पावर को फील करती है जो इन 3 महीनों के अंदर उसने अब तक अचीव की है। इसके बाद यूएर पूरी तरीके से समझ जाती है कि आखिर अब उसे क्या करना है, और वो अपना डिसीजन बना लेती है, जिसके बाद वो सेक्ट लीडर से कहती है सेक्ट लीडर, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तो इसलिए प्लीज आप मुझे वापस लेबर ऑफिस में भेज दीजिए। तो अब इधर यूएर के इस तरीके के वापस लेबर ऑफिस में जाने के डिसीजन को सुनकर के वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग हैरान होते हुए उससे कहते हैं कि क्या, आखिर तुम ये क्या कह रही हो। जबकि तभी उनमें से एक एल्डर दूसरे से पूछता है कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है, जबकि वो दूसरा वाला कहता है कि आखिर अभी अभी मैंने ये क्या सुना, ये लड़की वापस से अपने लेबर ऑफिस जाना चाहती है। जबकि तभी सेक्ट लीडर भी यूएर से कहते हैं कि यूएर, क्या तुम अपने इस डिसीजन के लिए पूरी तरीके से निश्चित हो, क्योंकि जब एक बार तुम वापस से वहाँ उस लेबर ऑफिस में पहुँच जाओगे तो इससे तुम्हारा भविष्य पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी खाई है जिससे कि तुम कभी भी रेंगते हुए बाहर नहीं निकल पाओगी। अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में यूएर भी उनसे कहती है, सेक्ट लीडर, मैं लेबर ऑफिस में वापस जाना चाहती हूँ और मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो अब इधर सेक्ट लीडर भी यूएर को हैरानी से देखते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब क्योंकि ये तुम्हारी खुद की ही चॉइस है, तो अब मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, फिर अब से तुम एक लेबर डिसाइपल बनोगी, तो इसलिए अब तुम जा सकती हो। सेक्ट लीडर के इस फैसले को सुनकर के तो वेनरेबल सी तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर, आखिर हम एक इस तरीके के टैलेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि वो सेक्ट की मदद करने की बजाय लेबर ऑफिस को चाहती है, तो आखिर तुम मुझसे विनती करके आखिर क्या करवाना चाहते हो, क्योंकि उसे फोर्स करके यहाँ पे इस इनर सेक्ट में रोकने से उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो जाएगी, और फिलहाल अब से वो लड़की एक लेबर डिसाइपल है, इसलिए इसके बाद से तुम मुझे कभी भी उस लड़की के पीछे जाते हुए मत दिख जाना, और अगर तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतना ज्यादा समय है ही है तो बेहतर होगा कि आप इस समय को 3 महीनों के बाद होने वाले कॉम्पिटिशन के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके डिसाइपल और आपके लिए एक चांस है, इसलिए इस चांस को बिल्कुल भी बर्बाद मत
मत कीजिए। इतना कहने के बाद फिर सेक्ट लीडर हल्की सी स्माइल करते हुए फिर आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वेनेवलसी भी आगे कुछ नहीं कह पाते और वहाँ पे खड़े सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हैं। जिसके बाद फिर वो अपने मन में कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने बड़ी ही जल्दी बड़ी तेजी से उस लड़की को उस कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या ये सिर्फ इतना है कि वो उसे अवेंडेंट कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। कहने के बाद फिर वेनेवलसी ग्रैंड मास्टर की ओर देखते हैं। ग्रैंड मास्टर गुईहू को और देखते हैं और उससे कहते हैं कि गुईहू मेरे साथ आओ। कहने के साथ ही ग्रैंड मास्टर गुईहू को अपने साथ कहीं और ले जाते हैं, जबकि वेनेवलसी भी ल्यूजू से कहते हैं कि ल्यूजू मेरे पीछे आओ। तो अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में ल्यूजू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। यूलिंग अपनी बहन के लिए परेशान होते हुए उससे कहती है कि पागल लड़की, आखिर तुम वापस उस कचड़े भरी जगह में क्यों जाना चाहती हो, जबकि मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल पाई हूँ। तो अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद में यूर भी उससे कहती है कि मुझे उस जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं वहाँ उस जगह पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी। और क्या तुमने अभी अभी नहीं देखा कि मैंने हुमेर को मार डाला और इससे मैंने उससे अपना पूरा बदला भी ले लिया है। तो यूर की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग भी अपने मन में कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक अलाइट डिसाइपल बन जाने की तुलना में यहाँ पे उस लड़के जूफेन की साइड पे खड़ा होना यूएर के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। तो अब इधर यूलिंग के इतना सोचने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वापस से लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि जूफेन वापस आते हुए एल्डर युआन से कहता है कि एल्डर युआन मैं वापस आ गया। तो एल्डर युआन भी वहाँ पे जूफेन को देख करके हंसते हुए खुश होकर के उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आपको नहीं लगता है कि आपको अभी उस कब्रिस्तान से बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर ये सुन जूफेन उधर अपनी झाड़ू रखते हुए उनसे कहता है कि उन दोनों ने मुझे वहाँ पर सिर्फ एक महीने के लिए भेजा था, लेकिन मैं खुद से वहाँ पर 3 महीनों तक रुका रहा, तो क्या अब भी मैं वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुन फिर एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि प्लीज अब आप ऐसा तो मत कहिए कि अब तो वो दोनों यहाँ पे सिर्फ आपकी ही पूजा करते रहते हैं। हालांकि भले ही मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो हो, मगर स्टिल इन पुरानी हड्डियों के अलावा मेरे पास स्टिल अभी भी एक बहुत अच्छी आंखों का पेयर है। और अब क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और वो दोनों भी अब वापस इनर सेक्ट में चले गए हैं, तो अब इधर ये चीज यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बनाती है। तो अब इधर एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में जूफेन एल्डर युआन से उस चाय के कप को ले लेता है जो कि वो उसके लिए बना रहे थे और फिर एल्डर युआन से कहता है कि अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी धुन पर ही मार्च करता हूँ, इसलिए एल्डर युआन अब आप ही यहाँ पर इकलौते होंगे जो कि यहाँ पर इस लेबर ऑफिस को इंचार्ज बनेंगे और यही बेहतर होगा कि आप ही इस लेबर ऑफिस को हैंडल करें। लेकिन अगर आप कभी यहाँ पर किसी कठिन समय का सामना करते हैं तो मैं पक्का से आपकी इसमें मदद जरूर करूंगा। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद में तो एल्डर युआन काफी ज्यादा खुश होते हुए जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, मेरी रॉकेट बनने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया और फाइनली इस बूढ़े को वो सम्मान मिल सकता है जिसका कि ये ओल्ड बॉडी डिजर्व करती है। तो एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद में फिर वो अपने मन में कहता है कि हालांकि हम लोग एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक पुराने दोस्तों की तरह महसूस करते हैं जो कि एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, जो कि ट्रस्ट के लिए पूरी तरीके से वर्दी है, फ्रेंडशिप के लिए वर्दी है और रेस्पेक्ट के लिए भी पूरी तरीके से वर्दी है। तो अगर जूफेन जब ये सब सोच रहा होता है कि तभी एल्डर युआन हंसते हुए जूफेन से कहते हैं कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो जूफेन फिर से अपने मन में कहता है कि जब मैं एल्डर युआन से बातचीत करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले से कहीं गुना अधिक ज्यादा चीजें हासिल कर ली हैं और मैंने कभी भी पहले कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। तो गाइस, अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।